नमस्कार जय हिंद दोस्तों। दोस्तों देखिए, हम हैकर लाइन के पेज पे आ गए हैं और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइथन से डिजाइन डोरमेट प्रॉब्लम। तो आइए दोस्तों प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है, मिस्टर विंसेंट वर्क कर रहे हैं किसी डिजाइन डोरमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और एक दिन वो डिजाइन करते हैं एक नया डोरमेट जिसमें कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन है। मैट की जो साइज है वो एन क्रॉस एम की है, जहाँ पर एन एक ऑड नेचुरल नंबर है और एम की जो वैल्यू है वो एन के 3 times होगी, यानी कि अगर एन की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो एम की वैल्यू 7 x 3 = 21 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए साइज दे रहा है सैंपल डिजाइन के तौर पे, एन की वैल्यू 7 है तो एम की वैल्यू 21 हो जाएगी और अगर एन की वैल्यू 11 है तो एम की वैल्यू 11 x 3 = 33 हो जाएगी। और यहाँ पर बोला है कि द डिजाइन शुड हैव वेलकम रिटर्न इन द सेंटर। वेलकम जो है डिजाइन, जो हम डिजाइन बना रहे हैं उसमें जो वेलकम लिखा है, वेलकम बिल्कुल सेंटर में लिखा होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों देखिए बोला है द डिजाइन पैटर्न शुड ओनली यूज वर्टिकल बार कॉमा डॉट एंड डैश करेक्टर्स, मतलब कि जो डिजाइन पैटर्न हम डिजाइन कर रहे हैं उस पैटर्न में सिर्फ हम यही 4 symbol यूज कर सकते हैं, एक वर्टिकल बार है, एक कॉमा है, एक डॉट है और एक डैश, सिर्फ यही 4 characters हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यूज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सैंपल डिजाइन दी गई है 7 x 21 का और फिर साइज है 11 x 33 का। आगे आइए नीचे कुछ देखते हैं हम। यहाँ पर जो इनपुट फॉर्मेट में बोल रहा है कि आपको एन और एम दो वैल्यू लेनी है जो इनपुट और स्पेस के बेस पे सेपरेट करके वैल्यू को लेना है। जैसे यहाँ पर सिंपल इनपुट लिया गया है 9 और 27, स्पेस के बेस पे सेपरेटेड वैल्यू हमें दो वैल्यू लेनी है और सिंपल आउटपुट में यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देना है। यहाँ पर 9 x 27 का जो है हमें मैट डिजाइन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर की 4 lines और नीचे की 4 lines बिल्कुल सेम है और बीच में 1 line डिफरेंट है जहाँ पर हम वेलकम प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल 9 इसमें रोस हैं, 4 rows ऊपर फिर 4 rows नीचे और बीच में 1 row वेलकम की। और 27 columns में अगर आप देखें तो 3 space A सिंबल डॉट वर्टिकल बार और डॉट कवर किए हैं और अगर 3 हम सब्ट्रैक्ट कर दें 27 में से तो 24 हो जाएगा, यानी कि 12 इस साइड डैश है, 12 डैश इस साइड है। और यहाँ पर 3 x 4 फिर 3 x 3 फिर 3 x 2 फिर 3 x 1 के फॉर्मेट में डैश प्रिंट हो रहा है, मतलब कि पहली लाइन में 3 x 4 डैश, फिर दूसरी में 3 x 3 फिर 3 x 2 और फिर 3 x 1 डैश फिल हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी फिल हो रहा है, बस कोड हम जो हमारा थोड़ा अपोजिट चलेगा। यहाँ पर देखिए 3 x 1 फिर 3 x 2 फिर 3 x 3 फिर 3 x 4, यानी कि जो लाइन हमने सबसे नीचे प्रिंट की थी वो लाइन यहाँ पर सबसे ऊपर प्रिंट की जाएगी और जो सबसे ऊपर प्रिंट की थी वो सबसे नीचे प्रिंट होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर और नीचे का कोड है, सेम कोड रहेगा, बस थोड़ा सा जो हम लूप चला रहे हैं लूप थोड़ा सा अपोजिट चलाना पड़ेगा। और बीच में जो है 27 जो इसकी लेंथ थी, यहाँ पर 7 तो वेलकम की लेंथ हो जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग 20 लेंथ है वहाँ पर 10 डैश इस साइड और 10 डैश इस साइड फेल हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो कोड है, हमारा जो डिजाइन डोरमेट की प्रॉब्लम है, इसमें जो हम मैट डिजाइन कर रहे हैं ये किस तरीके से जो है चल रहा है, इसकी जो कोडिंग है किस तरीके से चलेगी। तो भाई दोस्तों एक बार हम आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने कोडिंग किया है, एन और एम दो इनपुट लिया है स्पेस के बेस पे सेपरेट करके और इस एन और एम को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके ए और बी में स्टोर करा दिया, क्योंकि हमें आगे चल के इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं एन और एम पर। तो इसलिए जो है हम एन और एम को एज ए इंटीजर कन्वर्ट करके ए और बी में स्टोर करा लिया और फिर हम यक्स में स्टोर करा रहे हैं इस ए माइनस 1/2 की वैल्यू को एज ए इंटीजर फॉर्म में। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू चूंकि 9 है और बी की वैल्यू 27 है, तो 9 - 1 = 8, 8/2 = 4। तो हमने एक्स में 4 स्टोर करा लिया और वाई में 27 - 7 20/2 यानी 10, वाई में हमने 10 स्टोर करा लिया। अब वाई में हम 10 क्यों स्टोर करा रहे हैं और एक्स में 4 क्यों स्टोर करा रहे हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं इस डैश डैश की, ये किस तरीके से प्रिंट हो रही है, 3 x 4, 3 x 3, 3 x 2, 3 x 1, यानी सबसे पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो इसलिए हमने x में 4 स्टोर करा लिया और x पे हम लूप चला देंगे और लूप चलाएंगे तो एक एक वैल्यू घटती जाएगी और 4 3 2 1 इस तरीके से आती जाएगी।
और बिल्कुल यही काम हमें नीचे करना है। यहाँ नीचे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, 3+1, 3+2, 3+3, 3+4, इसलिए हमने x में 4 स्टोर करा लिया। और यहाँ पर जो है y में हमने 10 क्यों स्टोर कराया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 डैश इस साइड फिल हुआ है, और 7 जो प्लेस बच गए थे वहाँ पे हमने वेलकम लिख दिया, क्योंकि वेलकम की लेंथ टोटल 7 है। तो ये जो 10 डैश इस साइड प्रिंट किए हैं, 10 डैश इस साइड प्रिंट किए हैं, जो वेलकम की लाइन है बिल्कुल सेपरेट चलेगा इसका कोड। तो इसके लिए जो है हमने वाई की में जो है वैल्यू स्टोर करा लिया है 10। अब हम जो है लूप चला चला के इस कोड को एक्जीक्यूट कराएंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने जो है लूप चलाया एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू 4 है और इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला दिए हैं। 4 से लेकर 0 तक चलेगा, 0 एक्सप्लोर रहेगा तो 4 से 1 तक चलेगा, और माइनस वाई, और यहाँ पर हमने स्टेप की वैल्यू -1 दे दी है ताकि जो है 4 से वैल्यू घटती जाए, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से हमारा रेंज जो है चलता रहे। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई में जो है वैल्यू आई की स्टोर होगी 4, और इसके लिए हम लूप चला रहे हैं फॉर जे इन रेंज 3+i, यानी कि आई की वैल्यू 4 थी तो 3+4 यानी 12 डैश प्रिंट हो गए, और हम डैश को जो है इंड के वैल्यू के इंड फंक्शन के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं ताकि लाइन जो है चेंज ना हो, डैश 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 एक ही लाइन में प्रिंट होता जाए। तो 12 डैश हमने प्रिंट कर दिया, यहाँ तक का कोड हमने लिखा और 12 डैश हमने प्रिंट कर दिया पहली लाइन में। 12 डैश प्रिंट करने के बाद हमें प्रिंट करना है यहाँ पर एक सिंबल, इसे हम टोटल एक सिंबल मान के चलेंगे। तो अगर इसे एक सिंबल टोटल मान के चलते हैं तो यह टोटल एक सिंबल हो जाएगा, फिर 3, फिर 5। तो अगर इसे हम इस तरीके से देखें, 2+0+1, 2+1+1, 2+2+1, 2+3+1, यानी कि टोटल लास्ट में 7 प्रिंट हुआ है, तो 2+3+1। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ नीचे भी चलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, 2+3+1, 2+2+1, 2+1+1, 2+0+1। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे दोस्तों लिखा है, फॉर जे इन रेंज 2+x-i, x की वैल्यू 4 है और i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 4 होगी, तो 4-4 0, 2+0+1, फिर i की वैल्यू दूसरी बार जब दूसरी लाइन में चलेगा तो 2+x-i, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 4-3, 1, तो 2+1+1, और फिर इसी तरीके से बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू घटती जाएगी और इसकी टोटल वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमें बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट मिलता जाएगा, 2+4, 2+3, 2+1 वाला। और हम जो है इस सिंबल को प्रिंट करते जाएंगे एंड फंक्शन के थ्रू ताकि लाइन हमारी चेंज ना हो। और जब हम एक बार लाइन चला दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने 12 डैश प्रिंट किया, फिर इस सिंबल को प्रिंट कर दिया एक बार, और इस सिंबल को एक बार प्रिंट करने के बाद हमें फिर 12 डैश प्रिंट करना था, तो फिर बिल्कुल यही कोड हमने यहाँ पर नीचे भी लिख दिया। और एक लाइन चलाने के बाद हमें लाइन चेंज करनी है, इसलिए हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया ताकि लाइन हमारी चेंज हो जाए। अब एक बार हमारा लूप चला, टोटल हमारी लाइन में जो भी वैल्यू में प्रिंट करनी थी हमने सब 3 फॉर लूप, फॉर जे का लूप चला के कलम के लिए फॉर जे लूप हमने चला दिया 3 बार, और हमने सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब हमें लाइन एक्सचेंज करनी है, तो हम प्रिंट फंक्शन लगा दिए यहाँ पे ताकि लाइन एक्सचेंज हो जाए, और फिर दोबारा हम चला देंगे लूप। इस तरीके से लूप चलता रहेगा, और टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हमें वेलकम प्रिंट करना है। वेलकम प्रिंट करने के लिए दोस्तों हमने देखिए लूप चला दिया, फॉर आई इन रेंज 1 से 2, 2 एक्सक्लूडेड रहेगा यानी सिर्फ एक बार लूप चलेगा, और लूप हम चला रहे हैं फॉर जे इन रेंज वाई, वाई तक, और वाई की वैल्यू यहाँ पर आप देखे हैं कि 10 हमने स्टोर की थी, तो टोटल जे की वैल्यू जो है 10 तक जाएगी, और हम जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जाती रहेगी, और हम इंड फंक्शन का यूज करके डैश प्रिंट करा दिए, टोटल 10 डैश प्रिंट करा दिए। टोटल 10 डैश प्रिंट कराने के बाद हमें एक बार वेलकम प्रिंट कराना है, तो हमने एक बार जे लूप चलाया, जे के लिए लूप चलाया, एक बार चलाया और हमने एक बार वेलकम प्रिंट कर दिया, इंड फंक्शन का यूज करके प्रिंट कर रहे हैं ताकि लाइन एक्सचेंज ना हो, और फिर दोबारा हमें 10 डैश प्रिंट करना था, तो बिल्कुल यही कोड जो ऊपर लिखे थे इस कोड को हमने नीचे लिख दिया। दोस्तों हम यहाँ तक वेलकम तक जो है लाइन को प्रिंट करा चुके हैं। अब वेलकम के नीचे जो है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो ऊपर कोड लिखे थे वही कोड लिखना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर जो कोड लिखा था यक्स से स्टार्ट किया था, यानी यक्स की वैल्यू 4 से लेकर के 0 तक गए थे। अभी क्या है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, क्योंकि हमें जो डैश प्रिंट करना है वो डैश हमें कितना प्रिंट करना है, फर्स्ट लाइन में शायद 3 प्रिंट करना है, देखिए यहाँ पर 3 डैश प्रिंट करना है, फिर 3+1, 3+2, 3+3, इस तरीके से। तो पहले लाइन में हमें
आई की वैल्यू 1 चाहिए ताकि 3 क्रॉस आई हम कर सके, सो दैट 3 क्रॉस आई करने पे हमें 3 डैश प्रिंट हो सके। तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू क्या किया, अब यहाँ पर हमने लूप जो चलाया 1 से लेके x प्लस 1 तक, x की वैल्यू 4 प्लस 1 5, 5 कर दिए, 5 एक्सक्लूड रहेगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा लूप। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1, फिर 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो 3 क्रॉस आई यानी कि 3 डैश प्रिंट हो जाएगा। 3 डैश प्रिंट होने के बाद हमें वेलकम, अरे वेलकम बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों वेलकम नहीं, फिर हमें ये वाला सिंबल प्रिंट करना था, वर्टिकल बार और ये डॉट डॉट वाला। तो इसके लिए हमें फर्स्ट लाइन में टोटल 7 प्रिंट करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल फर्स्ट लाइन में हमें 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल प्रिंट करना है वाला, तो 7 टाइम्स करना है। तो x की वैल्यू तो 4 ही है और i की वैल्यू चूंकि इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो इस बार i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है तो 4 माइनस 1 3, 2 क्रॉस 3 प्लस 1 7, टोटल 7 जो है ये वाला सिंबल प्रिंट हो जाएगा। और फिर चूंकि यही वाला कोड हमें एक बार फिर से प्रिंट करना है डैश 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 3 बार, तो बिल्कुल ऊपर वाला जो कोड हम लिखे थे फॉर जे इन रेंज 3 क्रॉस आई, बिल्कुल यही कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर एक बार हमें लाइन में प्रिंट कराने के बाद फिर दूसरी लाइन में प्रिंट कराना है हमें, तो हम प्रिंट फंक्शन यहाँ पे फिर से लिख दिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का कोड है बिल्कुल यही नीचे भी लिखा गया है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दी गई यहाँ पे लूप में, बाकी बिल्कुल सारी चीज़ एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पर 3 क्रॉस आई डैश सब कुछ देखिए, 2 क्रॉस x माइनस आई प्लस 1 सब कुछ सेम है, बस हम जो लूप चलाए हैं फर्स्ट टाइम जो लूप चलाए हैं 1 से लेकर के x प्लस 1 तक चला दिए, और यहाँ पे x से लेकर 0 तक चलाना था। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस कोड को किस तरीके से हमने कोडिंग की है। अब आइए एक बार रन कराते हैं और देखते हैं हम हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा कोड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया इस सिंपल इनपुट के लिए, और अब देख लेते हैं बाकी सारे टेस्ट केस के लिए सबमिट करके। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सारे टेस्ट केस के लिए जो है हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।